हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री लेसन 4 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंगूठे के बारे में, जिसको इंग्लिश में थंब बोलते हैं। अंगूठा पामिस्ट्री में बहुत महत्व रखता है। अंगूठे से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत सी चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। अंगूठे की लंबाई, अंगूठे की चौड़ाई, अंगूठे का साइज, ये सब चीजें हमें मदद करती हैं किसी की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। अंगूठे के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम विल, इच्छा शक्ति बोलते हैं, और जो नीचे का भाग होता है उसको हम लॉजिक या एनालिटिक कैपेसिटी या रीजनिंग पावर बोलते हैं। किसी किसी हाथ में ऐसा भी पाया जाता है कि उंगलियों की तरह अंगूठे के ऊपर तीन भाग बने होते हैं, लेकिन वहां तीसरे भाग का अभिप्राय कुछ और होता है। हमें यही मानना चाहिए कि अंगूठे के केवल दो भाग होते हैं, उन्हीं के हम ऊपर काम करेंगे, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम विल, इच्छा शक्ति बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम रीजनिंग पावर, लॉजिक या एनालिटिक कैपेसिटी बोलते हैं। किसी किसी का अंगूठा बहुत ही लचीला होता है, जो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। किसी किसी का अंगूठा रिजिड होता है, एक डिग्री भी ऊपर नीचे नहीं होता, पीछे की तरफ होता नहीं है। जिनका अंगूठा लचीला होता है वो लोग एडजस्टेबल नेचर के होते हैं। बहुत ज्यादा लचीला होना भी अच्छा नहीं होता। जिनका अंगूठा बहुत ज्यादा लचीला होता है वो दूसरे को एडजस्ट करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, दूसरे को प्लीज करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में वो अपनी खुशी खराब कर लेते हैं। जिनका अंगूठा बिल्कुल सख्त होता है, एक डिग्री भी ऊपर नीचे नहीं होता, वो भी अच्छा नहीं होता है। वो अपनी बात पे अटल होते हैं, अपनी बात को मनाने की लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं। एडजस्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी उनमें कम होती है। इसलिए बढ़िया अंगूठा वो है जो साइज में बड़ा है, हल्का सा लचीला है, और जिसका आगे वाला भाग और नीचे वाला भाग साइज में लगभग बराबर है। उसमें भी और खूबसूरती डालते हैं कि जो नीचे वाला भाग है वो सिलेंड्रिकल शेप में हो। जैसे जहां पे ऊपर का भाग खत्म होता है, नॉट के ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा, फिर सेंटर में से थोड़ा सा तंग, और नीचे वाला भाग जो हाथ से जुड़ा होता है फिर दोबारा उतना ही चौड़ा जितना अंगूठे के ऊपर का भाग से जहां पर जुड़ा है वहां पर, उसको हम सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट बोलते हैं। सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट का मतलब बहुत ही खूबसूरत है, लॉजिक कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है, साइंटिफिक है, बहुत ही तरीके से एनालाइज करते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड पॉजिटिव थॉट्स भी नहीं है। हम ये समझें कि इंसान, ये अंगूठे का ये जो भाग है ना, इंसान का सबसे बुद्धिमान वजीर है। ऊपर का भाग जितना बड़ा होगा इच्छा शक्ति उतनी ज्यादा होगी। इच्छा शक्ति किसी के बस में नहीं होती, इच्छा किसी भी तरह की हो सकती है।
अच्छी और बुरी। समझ लो ऊपर का भाग बड़ा है तो इंसान की इच्छा शक्ति है, बुरी या अच्छी वो बाकी हाथ के निरीक्षण से पता चलता है। लेकिन जब उसका वजीर, उसका सलाहकार, नीचे वाला भाग लॉजिक जिसको बोलते हैं हम, वो सिलेंड्रिकल है, बहुत ही बढ़िया है, साइज में बराबर का है, तो हर काम करने से पहले वो उसको सलाह देता है। इंसान सोचता है कि वेदर व्हाटसोएवर आई एम डूइंग इज गुड और बैड, ये जो हम मैं करने जा रहा हूं कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ये जो भाग है अंगूठे का, ये और ये जो नीचे वाला भाग है, ये सिलेंड्रिकल हो तो बहुत अच्छा है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर हो तो और भी अच्छा है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं इस यहां पे, अंगूठे के पहले भाग और दूसरे भाग में जहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पे एक चावल का निशान होता है, इंसान की आंख के जैसा चावल का निशान होता है। और यदि ये चावल का निशान बढ़िया तरीके से बना हो और इसके सिरे ऊपर से जुड़े हुए हो, मतलब इंसान की आंख की तरह बीच में से मोटा और साइडें आपस में जुड़ी हुई, तो ये समझ लो कि वो इंसान बहुत भाग्यवान है। उसके हाथ में जितने भी नुक्स क्यों ना हो, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप में कितने भी नुक्स क्यों ना हो, अकेला ये जो आईलैंड बीच में बनता है चावल के जैसा, दोनों पहले भाग और दूसरे भाग के जोड़ के ऊपर, यही काफी है। 90% जो आपके हॉरोस्कोप में नुक्स हैं, आपके हाथ में नुक्स हैं, उनको दूर करने के लिए यही है। इससे हम ये यदि ये बोलेंगे कि इससे साइन ऑफ लक तो गलत नहीं होगा, हम ये बोलेंगे कि हमारे अंगूठे में जादुई निशान है तो भी अलग नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, लॉजिक और इच्छा शक्ति का डिफरेंस। इच्छा शक्ति अंगूठा लंबा हो, आगे से थोड़ा सा कम चौड़ा हो, नीचे का भाग ज्यादा चौड़ा हो, हल्का सा पीछे को मुड़ा हुआ हो, हल्का सा पीछे को मुड़ सकता हो, हल्का ज्यादा नहीं, हल्का सा पीछे मुड़ सकता हो, वो अंगूठा सबसे बढ़िया माना जाएगा। अब और भी इंपॉर्टेंट क्या है, और भी इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडेक्स फिंगर और हमारे अंगूठे का संबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगूठे की तीन पोजीशंस होती हैं। कुछ लोगों के अंगूठे इंडेक्स फिंगर की जड़ के पास लगे होते हैं, हमको बोलेंगे हाई थंब, जो ऊपर जुड़ा हुआ है, और उनमें जो गैप है वो बड़ी मुश्किल से 30 डिग्री खुलता है आपस में। पिक्चर में आप देखेंगे पोजीशन ए जो पीछे आप देख रहे हैं, ये जो गैप है जितना कम होगा उतना खराब होता है, इंसान की बुद्धि कम होती है। यदि ये ऐसे में अंगूठा डी शेप्ड हो, प्रॉपर शेप ना लिए हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, तो हम एक मिनट में कहने में संकोच नहीं लगाएंगे ये मेंटली हेल्दी बंदा नहीं है, ही इज नॉट मेंटली साउंड पर्सन, मीन बंदा है, इसकी सोच है, उसको ब्रेन इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, रादर हम बोलेंगे। उसके बाद दूसरी पोजीशन है बी, आप पीछे पिक्चर में देख रहे हैं बी पोजीशन, इसमें आप देख रहे हैं बड़ी अंगूठा तो नीचे लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री के करीब बन रहा है। ये हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बंदे मेंटली डेवलप नहीं है, मंडे तो मेंटली डेवलप्ड है, मतलब माइजर है, कंजूस है, जहां पैसा खत्म खर्चना चाहिए वहां भी नहीं खर्चते हैं, और इतने कंजूस होते हैं कि अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहां खर्चना है वहां भी नहीं खर्चना, इनसे इनकी फैमिली, बच्चे, बीवी, दोस्त सब लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि यार ये बड़ा कंजूस इंसान है, 10 लोग इकट्ठे बैठे पैसा कहीं खाना खा रहे हैं, ऐसे लोग कभी अपने पर्स को हाथ नहीं लगाते, कोशिश करते हैं ऐसे ही काम चल जाए। फिर है तीसरी पोजीशन सी,
इसमें आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और अंगूठा उंगली के नीचे आके टच कर गया है, बिल्कुल इस तरह। देखो आप मेरा हाथ देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हम हाथ खोलते हैं तो 90 डिग्री का ऐसा हाथ बन रहा है। ये बहुत ही प्रॉपर जगह है अंगूठे की, बहुत ही प्रॉपर रिलेशनशिप है बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। इसको हम बहुत ही बैलेंस्ड हाथ बोलेंगे, बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप बोलेंगे। ये लोग जहां पैसा जितना खर्चना है उतना खर्चेंगे, जहां जितना चाहिए वहां लगाएंगे। पैसा, पैसे का मतलब ये नहीं होता केवल पैसा, अपना टाइम, अपनी रिलेशनशिप, अपने रिसोर्सेस, जहां जितना चाहिए उसका इस्तेमाल वहां करेंगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे। ऐसे लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। 90 डिग्री बहुत अच्छा है, जितना ऐसे जाता जाएगा एंगल कम होता जाएगा, 85, 80, 70, ये बंदे की पैसे खर्चने की कैपेसिटी को बढ़ाता जाएगा। सोच के पैसा खर्चेगा, बुरा नहीं सोच के खर्चना, लेकिन खर्च देगा। लेकिन जैसे ही एंगल ये 60 डिग्री 50 डिग्री के पास जाता है तो बंदा माइजर हो जाता है, जहां जितना चाहता है वहां भी नहीं खर्चता है। फिर एक एंगल वो भी आता है जब हम डी शेप, डी बोल देंगे उसको, जब एंगल 90 डिग्री से ऐसे बढ़ जाता है। ये देखो ये एंगल 90 डिग्री से बढ़ गया, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं। जब ऐसे पूरा खुलता है तो एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो गया, ये देखो 95 डिग्री का एंगल हो गया। ये हाथ अच्छा नहीं है, मैं भी उन्हीं में हूं। ये स्पेंड थ्रिफ्ट, जहां पे पैसा नहीं खर्चना वहां भी खर्च दिया, इच्छा शक्ति के अधीन है। इच्छा दिमाग में कुछ आया, खर्चना है पैसा, खर्च दिया, बिना सोचे समझे खर्च दिया। ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं कि पड़ोसी के पास पैसे हैं, दोस्त के पास पैसे हैं, उससे लेके भी खर्च देते हैं, परवाह नहीं करते पैसा खर्चने के लिए। दे आर कॉल्ड स्पेंड थ्रिफ्ट पर्संस। अपना अपना अंगूठा देखो, आपको चारों पोजीशन में आपको समझ आएगी आप कहां पे स्टैंड करते हैं। यदि आप कहीं मुझे गलत पाओ तो मुझे फोन करना मत भूलिए कि सर आपने तो गलत बोला था, मैं तो ऐसा नहीं हूं। बड़ा सिंपल सा है, जितना 90 डिग्री से एंगल बढ़ता जाएगा बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, बंदा स्पेंड थ्रिफ्ट होता जाएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब उसके सब कुछ खर्चना एक्स्ट्रा है, रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा खर्च लेता है, अपने पैसे को ज्यादा खर्च लेता है, फजूल खर्ची कर लेता है, जहां जरूरत नहीं वहां खर्च लेता है, अपने एनर्जी को ज्यादा लगाता है, जितनी जरूरत होती है उतना ज्यादा लगाता है। ऐसा आदमी और भी होता है, ऐसा आदमी अपने काम को छोड़ के भी दूसरों का काम करने लग जाता है, अपनी एनर्जी को दूसरे पे खर्चने लग जाता है, प्रायोरिटी दूसरे का काम है। ये सब चीजें एक्स्ट्रा है जो नहीं होनी चाहिए। जितना 90 डिग्री से एंगल बढ़ता जाएगा उतना ही ये भावना बंदे में बढ़ती जाएगी, ये भावना इंसान में बढ़ती जाएगी। ये अच्छा नहीं है, सबसे अच्छी पोजीशन है 90 डिग्री एंगल जो बैलेंस्ड है। उसको पता है मेरे पास कितने पैसे हैं, मैंने कहां खर्चने, कैसे खर्चने, प्रायोरिटी उसके पास है। और उसके पास जो आगे वाला भाग है, इच्छा शक्ति भी कमी नहीं है, जो पीछे वाला भाग भी लंबा है तो रीजनिंग पावर, लॉजिक पूरा है उसके पास, कहां खर्चना है, क्यों खर्चना है, इसका मुझे फायदा क्या होगा। वो चाहे उसकी मेहनत है, चाहे उसके रिसोर्सेज है, चाहे उसका पैसा है, ये डिफरेंशिएट करती है। देखो छोटी सी बात है, अंगूठे की पोजीशन, रिलेशनशिप बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर टेल्स द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, हाउ द पर्सन बिहेव्स इन डे टू डे लाइफ। कोई स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट फिर मैं दोबारा बताना चाहता हूं, अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करना दूसरों, 90 डिग्री से ऊपर वाला अपने काम को कम प्रायोरिटी, दूसरे को ज्यादा, अपने पैसे खर्चते हुए ध्यान नहीं देना, ज्यादा खर्च देना बिना, ये लॉजिक की भी चिंता नहीं करनी, रीजनिंग पावर की भी चिंता नहीं करनी। और जैसे 90 डिग्री पे आया, लॉजिक रीजनिंग पावर हावी हो जाती है बंदे के ऊपर और बैलेंस्ड इंसान बना देती है। जैसे कम हुआ तो लॉजिक पावर और जो ज्यादा बढ़ जाती है, रीजनिंग पावर कम हो जाती है, जो आपका रीजनिंग पावर, लॉजिक पावर बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति कम हो जाती है। और नीचे आया, बावजूद इसके के उसका इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है, आगे वाला भाग ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी रीजनिंग हावी हो जाएगी, कंजूस हो जाएगा बंदा। और यदि ये पोजीशन और आगे जाती है,
इंडेक्स फिंगर के बेस के साथ जुड़ जाती है और अंगूठा जो शेप है वो डिफरेंट हो जाती है, तो इंसान को नॉर्मल इंसान नहीं बनाती, ऐसा इंसान दिमाग की तरफ से पैदल होता है। ये मेरा कहना है। ये अंगूठा केवल अंगूठे पे, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। अंगूठे पे एक और वीडियो आएगा जो आपको डिटेल में बताएगा कि अंगूठे के नीचे कैसा माउंट होता है जो हमें फायदा देता है, कैसा माउंट होता है जो हमें नुकसान करता है। अंगूठे के बिल्कुल नीचे हमारा जो वीनस पर्वत के ऊपर बीच में मंगल का एक माउंट होता है, उसके बारे में मैं आपसे आगे वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।